गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है लैक कैनिमम। लैक कैनिमम डॉग मिल्क से बनाई जाती है। डॉग मिल्क से उसका मिल्क जो होता है उसको पोटेंशियलाइज करके उसकी पोटेंसी बनाई जाती है। 30 पोटेंसी हो गई, 200 पोटेंसी हो गई, 1 ml हो गई, 10 ml हो गई। इस तरीके से पोटेंशियलाइज करके मेडिसिन बनाई जाती है जिसको हम लैक कैनिमम मेडिसिन बोलते हैं। यह वन ऑफ द फीमेल रेमेडीज है। दोस्तों, डॉग्स का मिल्क जो है वो शुरुआती पीरियड में बच्चे के लिए एक तरह से टोटल न्यूट्रिशन का काम करता है, जिसमें संपूर्ण मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन आगे जब इसको हम पोटेंशियलाइज करते हैं होम्योपैथी में, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट वाली और बहुत ही अच्छे सिम्टम्स वाली एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, जो फीमेल के मेंटल सिम्टम्स से लगाकर फीमेल के जेनेटल सिम्टम्स तक में बहुत ही अच्छा काम करती है, साथ ही साथ फिजिकल सिम्टम्स में बहुत ही अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, लैक कैनिमम के सिम्टम्स बहुत ही वाइड है, बहुत ही ज्यादा है, तो इसके लिए हम इसको एक वीडियो में कवर न करके इसको दो वीडियो में कवर करेंगे। तो ये लैक कैनिमम का पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद में हम लैक कैनिमम का पार्ट सेकेंड आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट और जानकारी वाले वीडियो की अपडेट जो है, नोटिफिकेशन जो है, वो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की मेडिसिन है लैक कैनिमम। डॉग्स मिल्क से बनाई जाती है। इसके आज हम मेंटल सिम्टम्स और फीमेल के जेनेटल सिम्टम्स से रिलेटेड हम बात करेंगे, बाकी के सिम्टम्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पार्ट टू में। तो सबसे पहले हम मेंटल सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। तो मेंटल सिम्टम में सबसे पहला जो इसका सिम्टम्स है उसमें यह होता है कि पेशेंट्स को ड्रीम ऑफ स्नैक, विजन ऑफ स्नैक, यानी स्नैक दिखता है और उसको स्नैक के सपने आते हैं। हेलुसिनेशन होता है कि उसको लगता है कि स्नैक है या सांप जा रहा है, साथ ही साथ उसको स्नैक के सपने आते हैं, यानी सपने में उसको सांप दिखाई देते हैं। दूसरा जो सिम्टम्स है इसका वो है नर्वसनेस और फॉरगेटफुलनेस। पेशेंट को इतनी फॉरगेटफुलनेस रहेगी, इतना भुलक्कड़ रहेगा कि जब कोई वो चीज बाजार में खरीदने जाता है तो खरीदी हुई चीज को खरीदने के बाद में, पेमेंट करने के बाद में वो चीज भूल के आ जाता है। फिर उसको घर आने के बाद में वापस याद आती है कि वो चीज मैं भूल के आ गया हूँ। कुछ टाइम के बाद में आती है, कभी कभी उसको दूसरे तीसरे दिन याद आती है कि मैंने वो चीज खरीदी थी और मैं भूल के आ गया हूँ। इसके बाद में होता है लॉस ऑफ कंसेंट्रेशन वाइल स्टडी। जब बच्चे पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, तो वो कंसेंट्रेट नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में भी लैक कैनिमम मेडिसिन यूज की जाती है। चौथा इसका जो सिम्टम्स है मेंटल, वो होता है फियर ऑफ अलोन और फियर ऑफ इंसान या फियर ऑफ स्टेप डाउन। यानी पेशेंट को लगता है, ऐसा डर लगता है कि वो अकेला हो जाएगा और साथ ही साथ वो पागल हो जाएगा या फिर वो नीचे गिर जाएगा कई सीढ़ियों से जाते हुए। इस तरीके का उसका जो मन में जो डर है वो लगा हुआ रहता है। पांचवा जो है वो, अगर पेशेंट नर्वसनेस रहेगा हमेशा जब उसको फाइनेंशियल या फिजिकल लॉस होगा, दोनों ही कंडीशन में पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में रहेगा और नर्वसनेस में रहेगा, उस समय इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है, उसके ये सिम्टम धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। छठा जो मेडिसिन है वो है फॉरगेट हर ओन नेम, यानी राइटिंग। जब कोई भी पेशेंट जो होता है, बच्चा होता है फीमेल, या फिर जब कोई भी वो राइटिंग करती है, जब लिखते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा फॉरगेटफुलनेस उसमें देखने को मिलती है। जब वो लिखता है तो कोई भी पर्टिकुलर वर्ड जो है वो लिख नहीं पाता है, जो लिखना होता है उसकी जगह अलग अलग वर्ड लिखते रहता है। और मोस्ट कॉमन इसमें देखा गया है कि अपने खुद का नाम भी वो लिखने में भूल जाता है और उसका जो अपने नाम का जो लास्ट लेटर है वो अक्सर ज्यादातर वो बार बार भूलता है। जैसे आपका नाम है AMAIR आमिर, तो जो लास्ट का जो आर है वो कई बार भूल जाता है और अपना खुद का नाम भी वो बराबर से नहीं लिख पाता है। उसके बाद में होता है कि वाइल वॉकिंग फील स्टेम टू बी एयर, यानी जब वो वॉकिंग करता है तो उसको लगता है कि मैं चल नहीं रहा हूं जमीन पे, मैं हवा में तैर रहा हूं। और जब वो बेड पे सोने जाता है तब भी उसको ऐसा लगता है कि वो बेड पे नहीं सो रहा है, वो एकदम से फर्श पे आ गया है। तो इस तरीके की फीलिंग उसको समझ में आती है, ये इसके मेंटल सिम्टम्स बताए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे लैक कैनिमम के मेंटल सिम्टम्स। अब हम पढ़ते हैं लैक कैनिमम के फीमेल सिम्टम्स, फीमेल मेंटल और फीमेल जेनिटल से रिलेटेड सिम्टम्स जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है मेंसेस से रिलेटेड है। मेंसेस से रिलेटेड सिम्टम्स में आपको देखने जाएंगे कि टू अर्ली टू प्रोप्यूज जो होता है वो आपके ब्लीडिंग होता है, यानी मेंसेस आपको जल्दी आ सकता है और बहुत ही ज्यादा आ सकता है। और गैसेज जो होता है, एक तरह से गुच्छे जो होते हैं ब्लड के ब्राइट रेड कलर के, वो आपके आउट होते रहता है
वजाइना से, और साथ ही साथ आपको ड्यूरिंग मेंसेज और बिफोर मेंसेज, जैसे आपको पीरियड शुरू होने वाले हैं और शुरू होने के बाद में आपके पेट में लोअर एब्डोमेन में बहुत ही तेज दर्द रहता है, और जनरली देखा जाता है कि दर्द आपके लेफ्ट साइड एब्डोमेन से स्टार्ट होता है और ड्रामेटिकली आपके राइट साइड में आ जाता है और फिर वापस से लेफ्ट साइड में जाके सेटल हो जाता है। तो इस तरीके के आपको सिम्टम्स पेन एब्डोमेन में देखने को मिलते हैं मेंसेज के साथ में। साथ ही साथ जब आपके मेंसेज स्टार्ट होता है तो मेंसेज स्टार्ट होने के साथ ही साथ आपका जो है सोर थ्रॉट वो है स्टार्ट हो जाता है, गले के अंदर की जो है वो सॉरनेस है या फिर वहां का दर्द जो है वो आपके स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपके जो ब्रिस्ट के अंदर है वो आपके पेन स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल के साथ में आपका सोर थ्रॉट और साथ ही साथ ब्रिस्ट के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आपको लगने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि जब आप ऊपर चल रहे हैं सीढ़ियों के ऊपर या फिर जब आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं तो ब्रिस्ट को आपको होल्ड करना पड़ रहा है, इतने आप में उस वो स्वेलिंग या फिर आप में पेन या सोरनेस देखने को मिलती है। इसका अगला जो है फीमेल सिम्टम जो सेक्सुअल ऑर्गन पे है उसमें आपको ये देखने को मिलता है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है फीमेल का यानी जो वजाइना होती है वो वेरी सेंसिटिव टू टच होती है और इजीली एक्साइटेड हो जाती है, यानी जैसे ही हल्का से भी उसको टच करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिवनेस उसमें देखने को मिलती है, कपकपी आ जाती है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इवन अगर वो कपड़े जो पहने हुए हैं कपड़े अगर टच होते हैं या कपड़े अगर वहां पर रब करते हैं तो उस कंडीशन में भी उसको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट या सेंसिटिवनेस देखने को मिलती है। तो उस चीज से बचने के लिए जो फीमेल है वो अपने पैरों को ऐसे क्रॉस करके रखती है, साथ ही साथ वजाइना को हाथ से ढक के रखती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसका जो एक पर्टिकुलर जो सिम्टम्स है वो ये होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया, वो इसका एक पेक्युलर सिम्टम्स है जिसमें आपको देखने को मिल जाता है कि जैसे आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाता है वहां के आपके ब्रिस्ट पेन और साथ ही साथ सोर थ्रॉट स्टार्ट हो जाता है, ब्रिस्ट के अंदर स्वेलिंग और साथ ही साथ टेंडनेस देखने को मिलते हैं, ब्रिस्ट को आपको होल्ड करना पड़ता है। लास्ट जो इसका सेक्सुअल सिम्टम्स या वेजनल सिम्टम्स या फीमेल के जेनिटल सिम्टम्स से रिलेटेड आपको जो देखने को मिलता है उसमें होता है कि डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना के अंदर से फ्लैटस आपको डिस्चार्ज होते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज हमने लैक एनिमम मेडिसिन पढ़ी, डॉग्स मिल से ये बनाई जाती है, आपको इसमें आज हमने मेंटल सिम्टम्स के बारे में बताया है। दूसरा जो होता है वो आपके फीमेल सिम्टम्स या फीमेल मेंटल सिम्टम्स के साथ साथ फीमेल के जेनिटल सिम्टम्स के बारे में भी आपको बताया है। दोस्तों ये स्पेशली आपके फीमेल रेमेडीज के रूप में जानी जाती है, यानी फीमेल सिम्टम्स जो है ये बहुत ही अच्छे से कवर करती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइए। हम दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सबका खैर, राम राम।